घर जा रहे हैं, घर से पहले भाई जान लोग सब खा ले रहे हैं, यही आते लेके जा रहे हैं, इतनी सारी आते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम अपने कंट्री जा रहे हैं चाइना से, जो कि आज लास्ट मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं इंडिया, थाईलैंड होते हुए जा रहे हैं। आज जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें किए हैं, इंजॉय किए हैं, ये मेमोरीज बहुत सारी लेके जा रहे हैं इंडिया। और बहुत जो कैंपस लाइफ हमारा सिपा यूनिवर्सिटी का है, बहुत मिस करेंगे हम अपने फ्रेंड लोग को और अपने जानने वाले को, तो बहुत मिस करूंगा। आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड लोग पहले ही जा चुके हैं, कुछ बाद में जाएंगे। तो आज वो दिन है 20 जुलाई जो कि जियांगन कैंपस से होते हुए हम कोलकाता जाएंगे, उसके बाद से घर जाएंगे। एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा है अपनी फैमिली से मिलने का, लेकिन यहाँ भी एक फैमिली है तो उससे अभी विदाई हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मोड पे, चाइना में या किसी और देश में जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सो अब चल रहे हैं, जर्नी यहीं तक था। रफी भाई, भाई क्या हाल है भाई? हम तो ठीक है। हाँ, थोड़ा दिक्कत है, तो मेरा भाई जा रहा है। अरे भाई आएगा आपका, इससे भी धमाल लुक में आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ से जा रहे हैं, जर्नी स्टार्ट है। ये जो कैंपस है मेरे लाइफ में मतलब हमेशा याद रहेगा, जिस तरह का जर्नी रहा है। तो अभी फिर आएंगे, कोई नहीं, अभी के लिए एंड हो रहा है जर्नी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है, आएंगे फिर धमाल मचाएंगे। तो मेरे साथ भी एक तस्वीर बना, हम चल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और मेरे फ्रेंड लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। उन लोगों को का बहुत बहुत प्यार है और वो लोग आ रहे हैं, अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। आ रहे हैं बिहार, अपना बिहार। तो हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं ज्ञानपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अभी हम लोग के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है वहाँ से, तो हम जा रहे हैं ज्ञानपुर। तो हमारे फ्रेंड लोग आए हुए हैं, चलिए चलते हैं और लास्ट जो है मुसाफा कर लेते हैं और निकलते हैं इंडिया। ऐसे तो बोलना चाह रहे थे हम सिंध से निकल रहे हैं, मगर जा रहे हैं इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे आबिद भाई जान है पाकिस्तान से, आप देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अच्छा, मेरे वकास भाई भाईजान हैं, तो वकास भाई से मिलते हुए हम निकल रहे हैं, आप जान रहे हैं मेरे बड़े भाई जान। सीता जो माई ब्रोदर, ये मेरे अपने राशि भाई है बांग्लादेश से। क्या भाई, कैसे भाई, फिर मिलेंगे भाई। मेरा ज्ञान है, मेरा जान का जिगर है, देख ले भाई, और ध्यान से मिलकर जा रहे भाई, काफ़ी सारी यादें रहती हैं मेरे भाई। ये मेरे ताहा भाई हैं जो कि पाकिस्तान से, और ताहा भाई से मिलके जा रहे हैं। ताहा क्या कैसा लगा? बहुत दुखी हो रहा है। दुख नहीं है, क्या बोलना है यार, फिर मिलने का चाहेंगे बाबा, फिर मिलेंगे। ये मेरे फैजू भाई, पूरा नाम फैसल भाई, तो फैसल भाई से मिलके निकलते हुए जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, जा रहे हैं। फैसल भाई कुछ कहना चाहेंगे? फिर रिटर्न आओ आराम से, जरूर आएंगे। रागी बिन चाइना अब रागी बिन इंडिया होगा भाई यार, कुछ दिनों के लिए। और फैसल भाई डायरेक्टर साहब कैसा लग रहा है भाई यार? अब मिलेंगे, फिर मिलते हैं, मिलेंगे भाई। एयरपोर्ट आ गए हैं त्यानपुर स्क्वायर, अब यहाँ से जा रहे हैं हम इंडिया कोलकाता। स्वामी अबू जी आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, और सब लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। चलिए इंटर करते हैं टर्मिनल वन पे, कि टर्मिनल वन पे ही मुझे जाना है, तो चलिए चलते हैं।
चलिए चल रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। अब अपने फ्रेंड लोग से मिलेंगे, अपने अम्मी अब्बू और आप ही पापा मम्मी सब लोग को काफ़ी मिस कर रहे हैं और सब लोगों से मिलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिक्योरिटी चेक में काफ़ी तगड़ा वाला पूरा चेक वगैरह हुआ है, काफ़ी सारा पीछे देख रहे हैं चेक हो रहा है पूरा, क्या क्या मतलब डिग्री ज़रूरी है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो हुआ है। उसके बाद से हम जा रहे हैं, अब चाइना का सफ़र अब एंड हो रहा है धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह घाट पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों से मुलाकात होगी। सो सारे ऑफिशियल वर्क डन कर लिए हैं, मतलब सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग पास भी हो गया है, सारा चीज़ हो गया है, तो अब फ्लाई करने का टाइम आ गया है। अब्बू जी, अम्मी जी, आप ही, मम्मी पापा सब लोग काफ़ी मिस कर रहा हूँ और बहुत जल्द अपने घर आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारा चीज़ हो गया है। चंगदू से डायरेक्ट जा रहे हैं बैंकॉक, बैंकॉक से जाएंगे कोलकाता सी। सो हम तियानफू एयरपोर्ट पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, बैंकॉक यहाँ से ट्रिप करेंगे बैंकॉक का, वहाँ पे ट्रांजिट है मतलब ले ओवर, बाद हम कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से घर जाएंगे। फ्रेंड लोग को काफ़ी मिस कर रहे हैं जो मुझे बहुत हेल्प किए हैं और बहुत हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ ये मेमोरीज़ सिचुआन यूनिवर्सिटी में, ये जर्नी एंड नहीं हुआ है, हम फिर से इंशाल्लाह चाइना आएंगे और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और रागिब के लिए दुआ कीजिएगा और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। सो एक नए जर्नी की शुरुआत करते हैं चंगदू से सीधा बैंकॉक, बैंकॉक से जाएंगे कोलकाता, अपने इंडिया अलग ही स्वैग है, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सिचुआन यूनिवर्सिटी में ये जो मंथ हम मैंने गुजारे हैं ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में अच्छी मेमोरीज में शामिल रहेंगी और यहाँ से जाने के बाद इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से बैंकॉक पहली बार जा रहे हैं, बैंकॉक मेरे इससे पहले कभी नहीं गया हूँ, तो ये पहली बार बैंकॉक में जा रहा हूँ, बैंकॉक से कोलकाता जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर में। ये देखिए नज़ारे तियानफू एयरपोर्ट के चाइना के, हम चाइना से इंडिया जा रहे हैं, थाईलैंड होते हुए एंजॉय करते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा है और होप आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी नज़ारे ही नज़ारे हैं। ये मैं हूँ और ये चाइना का तियानफू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं थाईलैंड होते हुए और ये फ़्लाइट जो है थाई स्माइल है, चलिए चलते हैं, फ़्लाइट में इंटर होते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए हम फ़्लाइट में इंटर कर रहे हैं, जो कि मेरे फ़्लाइट का नाम है वो थाई स्माइल है, आप देख सकते हैं।
पहुंच चुके हैं बैंकॉक थाईलैंड, अब यहां से जा रहे हैं कोलकाता। जल्दी से जल्द यहां से निकलेंगे और कोलकाता पहुंचेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा एयरपोर्ट है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, दौड़ना भागना पड़ रहा है, लेकिन सही है। और ये मैं हूँ और यहाँ हम बैंकॉक में हैं। बैंकॉक से अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं, तो यहाँ से हम कोलकाता जा रहे हैं। चाइना से कोलकाता जाने का अपना ही फीलिंग है, मज़ा आ रहा है। मिलते हैं कोलकाता में। चाइना वाले फ्रेंड, जितने चाइना के फ्रेंड मेरे हैं कि चाइना में भी हैं, उन लोगों को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। अभी घर पे जा रहे हैं तो इंडियन लोग से मिलेंगे, अपने इंडियन फ्रेंड से। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन आप लोगों से विदाई होगी तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मिलते हैं किसी और मोड पे, जरूर मिलेंगे यार, चिल करेंगे यार फिर से। अपना है, मिल गया। सो मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, पहले चंगू से चला हूं तो बैंकॉक, थाईलैंड गया हूं, थाईलैंड से अभी चल के आया हूं तो अपना कोलकाता इंडिया आ गया हूं। अब यहां से निकल रहे हैं पटना के लिए, रात के 2 बज गए हैं और यहां आ गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है अलहमदिल्ला, और सब लोग अपने फ्रेंड लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। सो मिलते हैं आगे। सो फाइनली हम पटना पहुँच चुके हैं, जो कि मैं चंगू चाइना से होते हुए थाईलैंड बैंकॉक गया। बैंकॉक 5 घंटे का वहाँ स्टे था, वहीं रुके, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट था, उसके बाद से मेरा जो फ़्लाइट था वो चंगू चाइना से, क्या बोलते हैं, थाईलैंड बैंकॉक के लिए, वो था 4:15 पे। तो वो फ़्लाइट से हम लोग गए बैंकॉक थाईलैंड पहली बार, तो ट्रांजिट था, कनेक्टिंग फ़्लाइट था, तो वीज़ा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बिना वीज़ा के हम एंट्री किए थाईलैंड। और उसके बाद थाईलैंड से अपने कोलकाता इंडिया के लिए फ़्लाई किए, फिर वहाँ कोलकाता पहुँचे।
और कलकत्ता से अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं पटना पहुंचा। पटना पहुंचा मतलब कि ये जर्नी बहुत लंबी रही है, चाइना से लेकर अभी तक बिहार में इंटर कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्जॉय किए हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी में, सिचुआन यूनिवर्सिटी में जितने फ्रेंड हैं सब लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा रहा है जर्नी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी फ्रेंड जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वो अच्छे से जाएं और खुश रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।